फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधाज वेज रेसिपी। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चकली की रेसिपी, जो दिवाली के समय तो खास बनाई जाती है, बाकी समय भी इट्स बहुत ही फेवरेट टी टाइम स्नैक है सबका। और ये है आलू के फ्लेवर के साथ, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आलू की चकली बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप के करीब उबले हुए आलू, मैंने इन्हें रफली मैश कर लिया है, और एक कप चावल का आटा, 1/4 कप बेसन। सबसे पहले इस आलू को मैं मिक्सी जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। इसमें मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ, और अब इसका हम मिक्सर में एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। तो ये देखिए, हमारा आलू का एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी है। आप चाहे तो इसे महीन ग्रेटर से ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अब मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है और उसमें ले रही हूँ ये एक कप चावल का आटा जो हमने मेजर करके लिया था, और 1/4 कप, एक चौथाई कप बेसन। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, तो आधा टीस्पून इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक तेज़ नहीं चाहिए हमें तलने के बाद, ये ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरे का इसमें डालेंगे। और अब मैं डाल देती हूँ इसमें 1 टेबलस्पून जितना बटर, इसे थोड़ी देर पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था। अब सब चीजों को पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बटर की जगह आप तेल या घी भी ले सकते हैं 1 टेबलस्पून के जितना, और अच्छी तरह से बटर को पूरे इस आटे और मसालों को सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये सब चीजें अच्छी तरह से मिल गई है। अब इसमें हम बनाएंगे एक कुआ और उसमें डाल देंगे ये आलू का पेस्ट जो हमने बनाया है। तो मैंने सारा आलू का पेस्ट डाल दिया है। अब इसका हम सॉफ्ट डो बना लेंगे मिक्स करके अच्छी तरह से। हमारा ज़्यादातर आटा इसमें गूंद गया है, सिर्फ थोड़ा सूखा आटा है नीचे, तो मैं थोड़ा सिर्फ 1 टीस्पून पानी इसमें डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके नरम आटा तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो मैंने इसका बना लिया है, और इसमें मुझे सिर्फ 1 टीस्पून पानी की और ज़रूरत पड़ी। इसे ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे अगर आपका डो टाइट हो जाता है तो आप थोड़ा पानी और ले सकते हैं, और अगर आपका डो ज़्यादा गीला लगता है आलू का पेस्ट डालने के बाद, तो थोड़ा सा चावल का आटा और भी ला सकते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो ये चकली का मोल्ड लिया मैंने, जो भी मोल्ड है आपके पास उसको आप यूज़ कर लीजिए। तो ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया अच्छी तरह अंदर भी, और ये है स्टार मोल्ड जो चकली के लिए यूज़ करेंगे, इसको भी मैं दोनों तरफ ग्रीस कर देती हूँ, ये नीचे की रिंग। अब ये मोल्ड को लगाना कैसे है, जो रफ साइड है वो नीचे रहेगा, सॉफ्ट साइड ऊपर रहेगा, तो मैं ऐसे रख रही हूँ इसको, और ये मोल्ड में लगा देंगे। अब ये नीचे का जो साइड है ना, ये रफ साइड है। अब इसके ऊपर के पिस्टन पर भी लगा देते हैं ऑयल। हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है, तो इसको हम दो पार्ट में कर देते हैं डिवाइड, बना लेते हैं इसका एक सिलेंडर जैसा रोल, और इस रोल को हम डाल देंगे इस चकली के मोल्ड में। अच्छी तरह से प्रेस करके रख देंगे। थोड़ी जगह और है तो मैं इसको थोड़ा सा और भर देती हूँ, एकदम फुल कभी मत भरिए इसको। चलिए इसको बंद करते हैं। तो ये मोल्ड हमारा रेडी है। अब चकली हमें अलग से बना के नहीं रखनी है, डायरेक्टली हम गरम तेल में चकली छोड़ेंगे। तो तेल गरम होने के लिए रख दिया मैंने, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं। हाँ, तो ये धीरे धीरे ऊपर आया है, यही हमें चाहिए। मीडियम टू लो हीट में फ्लेम रखना है हमें तेल गर्म होने के बाद। और अब हम इसमें डालते हैं चकली। रफली कोई भी शेप में, रैंडमली कैसे भी आप डाल सकते हैं इस चकली को। एक बहुत ही बड़ी सी चकली बन जाएगी। धीमी आंच पर इसे पकने देते हैं। थोड़ी देर चकली को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, यदि चाहें तो साइड से उस पर तेल को ऊपर डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी इसमें सेट हो गया है, सारा जो कच्चा मिक्सचर था उस पर भी तेल आ गया। तो अब आँच को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। तो चकली अभी हो गई एक तरफ से, इसे हम पलट देते हैं यदि जरूरत पड़े तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी है, एक दूसरे चम्मच की भी हेल्प ले सकते हैं इसके साथ।
अब दूसरी तरफ भी इसे हम क्रिस्प होने तक पका लेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे। तो ये चकली हमारी अच्छी तरह से दोनों तरफ से कुक हो गई है। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। हम सेकेंड बैच डाल देते हैं। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी ब्राउन ये सेकेंड बैच भी हमारा हो गया है। इसको भी हम पलट दिए हैं पहले से और दोनों तरफ ये हो गया, इसको निकाल देते हैं। तो हमारी सारी चकलियाँ बनकर तैयार है और इसे बनाने में सिर्फ 10-12 मिनट लगते हैं। अब इनको आप तोड़ के चाहिए तो छोटे छोटे टुकड़ों में या ऐसे ही इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़ के भी इसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस दिवाली में कुछ डिफरेंट चकली बनाइए। आलू की चकली ये रेसिपी मैंने आपको दी है, बहुत ही सिंपल झटपट बनने वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही कम मसाले की इसमें ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ और रेसिपीज़ के साथ। बाय।